हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस। दोस्तों, अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट को समझने के लिए डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर के प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था 20 मार्च को फेड के तरफ से इंटरेस्ट रेट का डिसीशन आने वाला है, और उसी हिसाब से दोस्तों फेड ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड रखा है। इसका ये मतलब होता है दोस्तों, पहले जितना भी इंटरेस्ट रेट था अभी भी उतना ही इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। और दोस्तों, हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया है, फेड के तरफ से डोविश कमेंट्री आया है और ये डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव न्यूज़ है, और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों, फेड ने ये क्लियरली मेंशन किया है इस साल को 3 टाइम्स इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। और दोस्तों, ये जो अपडेट है ये गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, और उसी हिसाब से डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव न्यूज़ है। तो कल जब हम लोगों ने फॉरेक्स गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस किया था, उस टाइम पे डॉलर इंडेक्स 104 से 104.10 के रेंज पे था। दोस्तों, हम लोगों ने फॉरेक्स गोल्ड और सिल्वर के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था 104 से 104.20 का जो रेंज है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 104 से 104.20 के लेवल पे डॉलर इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला। और अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो डॉलर इंडेक्स 103.20 के पास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, 102.80 से 103 का जो रेंज है ये डॉलर इंडेक्स के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है, और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर से दोस्तों 102.80 से 103 का जो रेंज है ये अगर ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, तब जो है डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है, और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में बुल रन शुरू हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया है, फेड के तरफ से डोविश कमेंट्री के आने के बाद जो है गोल्ड और सिल्वर का सेंटीमेंट बुलिश हो गया है, और उसी हिसाब से दोस्तों सिल्वर में कोई भी सेल पोजीशन लेना बहुत ही रिस्की होने वाला है। दोस्तों, अगर हम लोग डॉलर टर्म पे डिस्कस करते हैं, तब जो है सिल्वर जल्द ही $26 के पास जाने वाला है, और दोस्तों आने वाले समय में अगर सिल्वर $26 के ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है सिल्वर में स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट दिखने वाला है। दोस्तों, एमसीएक्स सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 74,800 से 75,000 का जो रेंज है ये सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है, और दोस्तों 75,600 और 76,000 सिल्वर के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। दोस्तों, क्योंकि सिल्वर का सेंटीमेंट बुलिश है और उसी हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर 75,600 और 76,000 का रेजिस्टेंस बहुत इजीली ब्रेक कर सकता है। इसी हिसाब से दोस्तों अगर 76,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तब जो है हम लोग 78,000 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। यह रहा एमसीएक्स सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग एमसीएक्स गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, फेड के डोविश कमेंट्री के बाद जो है गोल्ड ऑलरेडी 2200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और दोस्तों अगर हम लोग एमसीएक्स गोल्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं, तब जो है 66,000 से 66,200 का जो रेंज है ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, और उसी हिसाब से दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड 66,000 से 66,200 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है, और अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में 66,000 से 66,200 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तब जो है गोल्ड में स्ट्रॉन्ग रैली अपसाइड में दिखने वाला है। तो यह रहा एमसीएक्स गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।